हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है एक स्टोर के बारे में, विच इज़ जीवा स्टोर। एंड लेट मी टेल यू दैट आई एम नॉट सो हैप्पी विद दिस सर्विस स्पेसिफिकली। सो आज का ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है, डिटेल्ड कि क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस और क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए तो बने रहिए मेरे साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको नहीं पता कि जीवा क्या है, मैं आपको बता दूँ कि जीवा एक ज्वेलरी स्टोर है, स्पेसिफिकली सिल्वर, एंड नाउ दे हैव कम अप टू गोल्ड ज्वेलरी एज वेल। तो ये एक ज्वेलरी स्टोर है विच इज़ ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। और यहाँ से मैंने परचेजेस करना स्टार्ट किया था बैक इन आई थिंक ये टू ईयर्स से है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब ये आया था नया, तो इट वाज़ लाइक बहुत इनके ना डिज़ाइन जो हैं काफ़ी ट्रेंडी हैं एंड काफ़ी यूनिक हैं, एंड यू फील कि चलो आर्टिफिशियल लेने से अच्छा है कि आप सिल्वर पे ही इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। तो मैंने भी लिया था, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिया। मैंने आई हैव गॉट पेंडेंट्स, इफ़ यू टॉक अबाउट पेंडेंट्स, आई हैव गॉट यू नो rings, I've got earrings, I've got so many things from Jeeva, and शुरू शुरू में मुझे काफ़ी पसंद आया था बिकॉज इसमें एक और यूनिक चीज़ थी जो कि जब आप खरीदने जाते हो तब वो लोग बोलते हैं स्टोर पे कि भाई आप इसकी जो है ऑन ये जो प्लेटिंग होती है वो लाइफ टाइम फ्री है। ओके सो आप सोचते हो कि चलो अगर आपने ले लिया और अगर मान लो सिल्वर है इसमें रस्ट हो ही जाता है, यू नो ब्लैकिश हो ही जाता है, तो उसकी तो एटलीस्ट गारंटी है फॉर लाइफ टाइम, सो इट्स अ गुड डील, तो इस करके भी आप ले लेते हो। बट रिसेंटली माई एक्सपीरियंस हैज नॉट बिन सो गुड विद जीवा, एंड आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट टू शेयर विद यू गाइज। एंड अगर आप लोगों के साथ भी ये हो रहा है सो यू कैन ऑल्सो शेयर योर व्यूज। तो हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ कि वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं एज आई टोल्ड यू, एंड मुझे काफ़ी अच्छे भी लगे थे, ट्रेंडी डिजाइन इसके। बट एक तो क्या हो रहा है ना कि इनके पीसेस के साथ ये हो रहा है कि या तो ये टूट जा रहे हैं बहुत जल्दी, डेलिकेट तो होते ही हैं, एंड दूसरा ये बहुत जल्दी रस्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये ब्लैकिश पड़ जा रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत जल्दी इनका जो है कलर चेंज हो जा रहा है, बहुत जल्दी खराब हो जा रहे हैं, एंड इट्स नॉट इट डजंट लुक गुड टू वेयर यू नो पीसेज लाइक दैट। सो ठीक है, ओके ये हुआ। एंड वन ऑफ माय रिलेटिव्स, मतलब मेरी भाभी ही, उन्होंने भी ये वाली इसके कुछ पीसेस बाय किए होंगे, तो रिसेंटली शी टोल्ड मी बिकॉज उनका जो आया था जीवा का पीस वो टूट गया था नेक्स्ट डे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है हम मैं इसको चेंज करा लूँ बिकॉज द प्लेस वेयर आई वर्क वहाँ से जीवा स्टोर बहुत पास है। तो मैं लेके गई एंड मैंने वो उनको बोला कि ऐसे ऐसे, तो पहली बात तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये तो यहाँ से नहीं लिया है, और क्योंकि जहाँ से मैं लेने गई थी चेंज कराने गई थी वो था शॉपर स्टॉप का एक जीवा काउंटर कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये स्टोर पर ही होगा, ठीक है। तो ठीक है ओके कोई बात नहीं, स्टोर पे गई मैं, स्टोर पे भी उनके काफ़ी नखरे थे ये वो, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि ओके ये आपका 10 दिन में हो जाएगा, हम इसको रिपेयर करेंगे, दैट्स व्हाट दे सेड। आई सेड ओके फाइन, आई केम बैक। अच्छा फिर मुझे याद आया कि मेरे पास भी एक चेन है, वो भी बिल्कुल ब्लैकिश हो गई है, तो उसका पिक्चर मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूंगी, ब्लैकिश हो गई है। तो मैंने उनको उसको जहाँ से लिया था वही शॉपर स्टॉप वाले स्टोर से काउंटर से वहीं पे ही लेके गई एंड बोला, यू विल नॉट बिलीव दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर द बिल। ओके जब वो लाइफ टाइम फ्री है, हाउ डज इट मैटर इफ द प्रोडक्ट इज फ्रॉम जीवा, ओके फ्रॉम विच सो एवर स्टोर इट इज इन द वर्ल्ड, ओके यू शुड एटलीस्ट ट्राई एंड क्लीन इट। क्योंकि मैं तो सिर्फ क्लीन कराने के लिए लेके गई थी, मैंने ये भी नहीं बोला था कि मुझे चेंज कराना एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो वो बिल मांगने लगे, बिल नहीं था, इट्स ओके अच्छा आपको कोई डेट याद होगी कब लिया था? मैंने रैंडमली बोल दिया लास्ट ईयर लिया था, ठीक है। उसके बाद दे वर नॉट कंसर्न एट ऑल, ठीक है। जब आप खरीदने जाओ तब तो वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बोलते हैं दैट ये हो जाएगा वो हो जाएगा ले लो इसके साथ ये भी ले लो एंड लाइफ टाइम फ्री है ये एंड वो। जब आप एक्चुअली में वो सर्विस लेने जाओ सो दे आर लाइक कि अरे यू नो दे डोंट गिव यू मच अटेंशन, सो दैट्स व्हाट हैपेंड। सो आई वाज पिस्ड ऑफ, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ इट जब मैं वापस आई, मैंने कहा ठीक है छोड़ दो, मैंने कहा आई डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई थॉट ऑफ कंप्लेनिंग। जब मैं वापस आई तो उनका कॉल आता है, वो वाले का जो मैं टूटा हुआ मैं चेंज कराने के लिए गई थी स्टोर पे, उनका कॉल आता है एंड सरप्राइजिंगली दे सेड दैट ओ इसमें तो 2 मंथ्स लग जाएंगे बिकॉज दैट सेम पीस इज नॉट इन द स्टॉक। तो मैंने बोला कि ठीक है सेम पीस हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो उसको रिपेयर कराना था, तो ये अगर रिपेयर हो सकता तो रिपेयर कर दो, वी डोंट वॉन्ट अ न्यू पीस, इट्स ओके। दे सेड दैट नो रिपेयर नहीं होगा, इट्स लाइक आपका चेंज ही होगा और है ही नहीं पीस, मतलब ना तो आप उसको रिपेयर करोगे ना आप उसको चेंज करके दोगे, बेसिकली आप कुछ नहीं करोगे,
ठीक है, एंड एट द लास्ट व्हेन आई वाज अ लिटिल फ्यूरियस देन दे सेड कि ठीक है हम आपको रिफंड कर देंगे एंड यू कैन बाय द सेम, मतलब कुछ और बाय कर सकते हो. सो द पॉइंट इज, एंड अभी तक उनका रिफंड आया नहीं है बाय द वे, ठीक है. सो द पॉइंट इज कि व्हेन वी आर गोइंग टू बाय certain things from them, they are then they are being very very good to us, but when they are going for the actual service, so then they are not paying attention. So what, okay, so maine unko mail kiya and jeeva ko maine mail kiya and ki aise se likha ki ye tha issue and they have not cleaned it was just given for cleaning. Amazingly, I got a response from them saying that this is owned by Shoppers Stop and you need to get in touch with them. I was like, wow. And then they just said that, you know, in the mail they wrote that we hope that you are happy with the experience and all of that. Excuse me. Okay, so that is the worst experience I have. And my bhabhi, we have just, you know, promised ourselves that we will not buy anything from this स्टोर. एंड ये जो मैंने लिया है कुछ टाइम पहले, ये भी मैं दिखा देती हूँ उसकी हालत, क्योंकि ये मेरे पास अभी हैंडी है, वो मेरे पास हैंडी नहीं है. तो ये मैंने लिया था एक पीस, काफी अच्छे हैं, नो डाउट इन दैट. आई विल नॉट से कि पीस खराब है, लेकिन हालत देख लो इनकी, इसका ये पूरा रस्ट हो गया है, ये वाला का ये ब्लैकिश पड़ रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है ब्लैक पड़ना, यू कैन सी, एंड स्लोली दिस होल चेन विल गेट ब्लैक आई एम श्योर. तो ये है एंड नाउ वील हैव टू फाइंड आउट अ वे टू क्लीन इट एट आवर होम्स. तो ये है, तो बस बाकी भी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अबाउट दिस स्टोर इफ यू हैवंट हर्ड अबाउट इट, एंड यू कैन एक्सप्लोर थिंग्स बट बाय थिंग्स एट योर ओन रिस्क एंड नो दैट दैट दे विल नॉट एंटरटेन यू वंस यू गो फॉर प्लेटिंग एंड यू नो एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस. सो या दिस वॉज माई वीडियो फॉर टूडे एंड आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट प्लीज, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.